एक बड़ी खबर देखिए आ रही है वोलेदार से। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग का वीडियो वोलेदार में रूस ने हॉवित्ज़र से जबरदस्त हमला किया है। आर्टिलरी फोर्स ने यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को कैसे निशाना बनाया है देखिए। जमीन, आसमान और यहां तक कि समंदर से भी, ब्लैक सी फ्लीट से भी क्रूज मिसाइलें दागी जा रही है। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं इसी वॉर से जुड़ी हुई। बाखमुत से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है यूक्रेन। वैगनर लड़ाकों को चुन चुन कर टारगेट कर रहे हैं जवान। रॉकेट लॉन्चर से वैगनर लड़ाकों पर हमले का वीडियो आपको दिखाते हैं। इमारत में छिपे वैगनर लड़ाकों पर रॉकेट दागे गए। बाखमुत वो जगह जहां कहा गया कि रूस ने ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया, लेकिन इतने महीनों बाद भी यूक्रेन वहां पर डटा हुआ है और यह उसकी जीवटता है। वैगनर लड़ाके वहां यूक्रेन के सामने हैं और यूक्रेन उनसे भी लोहा ले रहा है लगातार। अब आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं मैं, और वो आपको बेलारूस की एक खबर आई है। वो तस्वीरें आएंगी तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले खबर तो कम से कम आप देखिए। यूक्रेन ने जबरदस्त जंग के बीच बेलारूस की आर्मी एक्शन में आ रही है। यूक्रेन बॉर्डर के पास बेलारूस की जबरदस्त मिलिट्री ड्रिल चल रही है। रॉकेट लॉन्चर और टैंकों से हमले किए जा रहे हैं। ATGM से यूक्रेनी टैंक ड्रिल, यूक्रेनी टैंक तबाह करने की ड्रिल वहां पर चल रही है। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है रूस से। रूस और यूक्रेन के वॉर के बीच अमेरिका ने रूस को लेकर एक बड़ा दावा किया है। अमेरिका ने क्या दावा किया है देखिए। जंग में अब तक 1,00,000 रूसी सैनिक हताहत हुए हैं, यह जॉन किर्बी ने कहा है। 4 महीने में 20,000 से ज्यादा रूसी जवानों की मौत हुई है, यह जॉन किर्बी ने कहा है। मृतकों में वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी शामिल हैं, ये जॉन किर्बी कह रहे हैं। प्रोफेसर अमिताभ जी, ये जॉन किर्बी जो दावा कर रहे हैं, इसको आप वही वेस्टर्न प्रोपेगेंडा ही मानेंगे या आपको लगता है कि नहीं 4 महीनों में 20,000 ये एक लॉजिकल नंबर है? नहीं, 4 महीनों 20,000 मतलब 15 महीने हो गए, इसमें 20,000 बहुत कम है। 15 महीनों में तो उन्होंने 1,00,000 का नंबर दिया है जी। 1,00,000 हताहत हुए हैं, मतलब 20,000 लोग मरे हैं। हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा वैगनर ग्रुप के हुए हैं, क्योंकि वैगनर ग्रुप सबसे ज्यादा अनट्रेंड है। और बाखमुत जहां कहा जा रहा है कि हर 1 किलोमीटर पर 1,000 सैनिक हताहत हो रहे हैं, वैसे जगह पर इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और वैगनर ग्रुप में अभी आप बात कर रहे थे इनके डिपोज पर अटैक करने की, वैगनर ग्रुप ने एक टैंकर जो आता है कंटेनर, उसमें 30 टन एम्यूनिशन आते हैं और उस तरह के 10 टैंकर रोज इस्तेमाल हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बाखमुत की लड़ाई कैसी होती जा रही है। 10 महीने हो गए, अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ है। और वैगनर ग्रुप का कंप्लेन है कि अभी तक हमें उस 1/3 ही सप्लाईज मिल रही है। वो तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं एक प्रेशर टैक्टिक भी है, और जो डिफेंस मिनिस्टर है रूस के, उनसे उनकी पट नहीं रही है। एक और बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं, फिर आप लोगों के पास आ रहा हूं।